So moving ahead, we will cover one more topic today, that will be what is surface free energy and how it is related to your surface tension. मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स का केस है, एक मॉलिक्यूल मेरा बल्क में पड़ा है, एक सरफेस में पड़ा है. अगर इन दोनों मॉलिक्यूल की एनर्जी में कंपेयर करने की कोशिश करूं, व्हाट आई विल फाइंड दैट द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो मेरा यहाँ बल्क में पड़ा है, ये वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी इज समवट लेस देन द एनर्जी विच इज प्रेजेंट ओवर द सर्फेस, जो सर्फेस के पास पड़ा है. और यू कैन से that the molecule which is present on the surface, जो surface पे molecule है उसके पास higher potential energy होती है than the molecule which is present in the bulk. Why this higher potential energy is with the molecule which is present on the surface? क्योंकि उसको ज़्यादा forces लग रही हैं, उस फोर्सेस को काउंटर करने के लिए उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी भी होती है. ठीक है बच्चे, सो वी नो दैट द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस इज हैविंग अ हायर पोटेंशियल एनर्जी. अब जितना ज्यादा सरफेस एक पर्टिकुलर सैंपल का होगा, एक पर्टिकुलर लिक्विड का जितना हायर सरफेस होगा, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पे होंगे. सो आई एम सेइंग कि जितना सरफेस मेरा ज्यादा होगा एक सैंपल का, लिक्विड का, उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस. ठीक है बच्चे, जितने मॉलिक्यूल्स मेरी सर्फेस पे ज्यादा होंगे उतनी हायर एनर्जी होगी मेरे मॉलिक्यूल्स की. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि जितनी सर्फेस ज्यादा होगी, सरफेस का साइज में जितना इंक्रीज कर लूंगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी हायर एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज हैविंग हायर पोटेंशियल एनर्जी देन द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बल्क. द एनर्जी ऑफ योर सरफेस, आपकी सरफेस की एनर्जी जो बेसिकली मेरी सरफेस के साइज पे डिपेंडेंट है, That is my surface free energy. ठीक है बच्चे, In order to understand how a surface free energy is related with your surface tension, let's consider this figure. ये figure basically क्या है, ये मेरे पास एक wire है जिसकी length, मेरी wire यहाँ से start होती है, उसको मैंने bend किया है in this form, square की form में मैंने bend किया है. This wire is continuous and without any, joints. It starts from here, it moves till B, then C, then up to this limb. This wire, the second wire, is the movable wire. ये आपकी movable है. ठीक है? इसको आप move कर सकते हैं. So, अगर आप इस assembly को soap solution में initially डाल रहे हो, तो क्या होगा? Soap solution आपकी wire पे एक film बना लेगा. ठीक है, इफ दिस इज द लेंथ ऑफ माई दिस साइड, इस साइड की मेरी लेंथ एल है, एंड आई डिप दिस वायर असेंबली इन टू अ सोप सोल्यूशन, एंड दैट सोप सोल्यूशन हैज प्रिपेयर्ड अ फिल्म ओवर इट. अब यू कैन इजिली इमेजिन दिस सिचुएशन जिसमें मेरी वायर थी उस पर एक फिल्म बन चुकी है. यू माइट हैव सीन दैट टॉय फॉर लिटिल चिल्ड्रन जिसमें आप एक लूप में को सोप सोल्यूशन में डिप करते हो और लूप को बाहर निकालते हो, तो उसमें क्या होता है, एक फिल्म बनी होती है. वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि वो जो फिल्म है उसकी दो फेसेस होते हैं, वो दोनों तरफ से इट इज दैट लिक्विड सोल्यूशन इज गेटिंग एक्सपोज टू एयर ऑन टू फेसेस. दो सर्फिसेस होंगी वहाँ पे, वहाँ एक नहीं दो सर्फिसेस होंगी. दोनों साइड दैट लिक्विड इज गेटिंग एक्सपोज टू योर गैसियस फेज. सो इन दैट केस अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने डिप किया मैंने असेंबली को, एंड दैट असेंबली हैज फॉर्म्ड दिस पर्टिकुलर फिल्म ऑन माय वायर, बिकॉज सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फिल्म, सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करेगी, मेरी ये जो मूवेबल वायर है उसको इनवर्ड मूव करने को फोर्स करेगी. व्हाई? बिकॉज सरफेस टेंशन की टेंडेंसी ही ये होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने में हेल्प करे आपके लिए.
मिनिमम मॉलिक्यूल्स आपके एक्सपोज हो ऑन द सर्फेस. तो बिकॉज ऑफ दैट सर्फेस टेंशन आपकी जो ये मूवेबल वायर है वो इनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी. अगर मैंने इस वायर को इसी पोजिशन पे फिक्स रखना है, आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट. मुझे इसके ऑपोजिट जिस डायरेक्शन में सर्फेस टेंशन मूव करने की उसको फोर्स कर रही है मूव करने को, उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, विच विल रिजिस्ट दैट मूवमेंट ऑफ माई मूवेबल वायर. सो इफ आई डिफाइन कि मेरी सर्फेस टेंशन कितनी है जो इस वायर पे लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू कितना फोर्स मैं आउटवर्ड लगा रही हूँ डिवाइडेड बाय 2L. व्हाई आई हैव टेकन 2L ओवर हियर, बिकॉज माय फिल्म हैज टू सर्फेसेस. इस केस में मेरी फिल्म की टू सर्फेसेस, इसीलिए आई एम टेकिंग 2L ओवर. So the surface tension which my film is facing over here, that will be equal to the force which I have to apply, jo resist karega uski moment ko, meri movable wire ki moment ko, divided by 2L. Now the next case applies. If I want ke meri initial position thi AD and I want to move my wire from AD to A dash D dash, मैं अपनी मूवेबल वायर को ए डी से ए डैश डी डैश तक मूव करना चाहती हूँ, और आई वॉन्ट के मेरी मूवेबल वायर डी एस डिस्टेंस मूव करें. मुझे कोई ना कोई वर्क डन, मतलब मुझे कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. हाउ मच वर्क आई हैव टू डू ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल टू कितना फोर्स मैं लगा रही हूँ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस माई मूवेबल वायर इज मूविंग, है ना. मेरा वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स विच आई हैव टू अप्लाई टू मूव माई मूवेबल वायर बाई दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. डी एस इज द डिस्टेंस बाई विच दैट वायर हैज मूव्ड. फोर्स अगर मैं इसी इक्वेशन को री राइट करूँ इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई 2L. ठीक है, इफ आई पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, माई वर्क डन विल बी रो मल्टीप्लाइड बाई 2L मल्टीप्लाइड बाई डी एस. ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा 2L मल्टीप्लाइड बाई डी एस. किसके बराबर होगा बच्चे? दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन सर्फेस एरिया. इस अगर मेरी वायर ए डी से ए डैश डी डैश तक मूव कर गई है तो कितना एरिया उसने कवर किया है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए. और यू कैन से rho, which is my surface tension, is equal to W divided by delta A. क्या define कर सकते हो? Surface tension is equal to work done or the surface free energy divided by per unit change in area. So how my surface free energy is related to my surface tension? My surface tension is equal to the work done or the surface free energy kitni increase ho rahi hai per unit area, that is my surface tension. Theek hai bachche, clear hai isme koi doubt? Koi doubt Rajay itthe tak? No ma'am. No ma'am. Moving ahead, सर्फेस टेंशन को जैसे हमने सर्फेस फ्री एनर्जी के साथ रिलेट किया, वैसे ही प्रेशर डिफरेंस के साथ भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू डिफाइन हाउ अ सर्फेस टेंशन इज रिलेटेड टू अ प्रेशर डिफरेंस, लेट्स अज्यूम ए कर्व्ड सर्फेस. एक स्फीयर हम अज्यूम करते हैं जिसका रेडियस है आर. ठीक है बच्चे, सो हियर इफ आई से दैट द टोटल सर्फेस फ्री एनर्जी, मेरी टोटल सरफेस फ्री एनर्जी जिसको मैं W से डेजिग्नेट कर रही हूँ, इट विल बी इक्वल टू 4πr² मल्टीप्लाइड बाय योर रो, वेयर 4πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ योर स्फीयर. ये मेरी टोटल सरफेस फ्री एनर्जी है मॉलिक्यूल, जो मेरा स्फीयर मेरे पास प्रेजेंट है जिसका रेडियस r, एरिया डिवाइडेड बाय माय सरफेस टेंशन. लेट्स अज्यूम कि मेरे स्फीयर का जो रेडियस है इट हैज डिक्रीज्ड बाय डी आर. अब उसका रेडियस
जो है, जो मेरे न्यू स्फीयर है, विच इज माई डॉटेड लाइन, इट इज आर माइनस डी आर. वो नियरली डी आर डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है उसका, ठीक है, इतना रेडियस उसका कम हो रहा है. नाउ माई सर्फेस फ्री एनर्जी किसके बराबर होगी? माई सर्फेस फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 पाई रो. आर को हम किससे रिप्लेस करेंगे? आर माइनस डी आर द स्क्वेयर. क्लियर है बच्चे? आर को हमने रिप्लेस कर दिया. ये था मेरा सॉलिड स्फीयर. जो सॉलिड स्फीयर है उसकी सर्फेस फ्री एनर्जी, ये मेरे डॉटेड स्फीयर की सर्फेस फ्री एनर्जी. ठीक है बच्चे? बिकॉज माई रेडियस इज डिक्रीजिंग बाय डी आर, सो आई एम रिप्लेसिंग आर विद आर माइनस डी आर. अब हमें पता है मैथ्स में ए माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, है ना? इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है. तो हमारी ब्रैकेट क्या बनेगी? 4 पाई रो आर स्क्वेयर प्लस, आई वुड प्रेफर अगर आप कॉपी में इसको लिख सकते हो, 4 पाई रो डी आर स्क्वेयर माइनस 2 × 4 = 8 पाई रो आर डी आर. क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? आई एम जस्ट ओपनिंग दिस ब्रैकेट यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके मैंने ब्रैकेट को ओपन किया. एज डी आर इज वेरी स्मॉल, डी आर बहुत कम है, ठीक है, तो ये पूरी टर्म हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. वी कैन मेक इट जीरो. उससे ये मेरी पूरी टर्म जीरो हो रही है, निग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे? So what I am getting? I am getting 4 pi rho r square minus 8 pi rho dr. This is the surface free energy after my sphere has reduced by dr distance. This was the surface free energy of the initial sphere. तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड और डॉटेड स्फीयर की सरफेस फ्री एनर्जी में कितना है? अगर मैं इन दोनों को, इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, डिफरेंस कितना है? दैट इज माइनस 8 pi rho r dr. दिस इज द डिफरेंस इन द सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल स्फीयर. ठीक है बच्चे? नेगेटिव साइन क्या डेजिग्नेट कर रहा है? दैट माई स्फीयर इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन डायमीटर. उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है बच्चे? सो अपोजिंग दिस चेंज, इस चेंज को जो अपोज कर रहा है, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस. इसको जो अपोज कर रहा है फोर्स, को इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी होगी जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर डिफरेंस है. इनिशियली एंड फाइनली जो प्रेशर उसके अगेंस्ट एक्ट कर. आई नो दैट डिफरेंस इन सर्फेस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय किन्ना डिस्टेंस में चेंज किया है. मेरे स्फीयर द रेडियस किन्ना चेंज हुआ है? मेरे स्फीयर द रेडियस डी आर चेंज हुआ है. And that radius is getting decreased, so I will add the negative sign. ठीक है? Pressure हमें पता है, pressure is equal to force per unit area होता है हमेशा, ठीक है? Or you can say force is equal to pressure multiplied by area. ठीक है? अब कितना force आप लगा रहे हो, that will be equal to कितना change in pressure हुआ initial and final, because I want this thing in my expression, multiplied by कितना एरिया था मेरे स्फीयर का इनिशियल, विच इज इक्वल टू 4 pi r square. सो आई विल एड दिस फोर्स की वैल्यू ओवर हियर. व्हाट आई विल गेट? डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय 4 pi r square मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी आर. ये है मेरी चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी. This is also change in surface free energy. This is also change in surface free energy. I can write minus 8 pi r dr rho is equal to delta p multiplied by 4 pi r square multiplied by minus dr. मैं लिख सकती हूँ बच्चे.
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है, एट ते फोर है, इतने सिर्फ टू रह गया, पाई पाई कैंसिल। मेरे को की बचिया है, मेरे को बचिया है टू रो इज इक्वल टू डेल्टा पी आर, इफ आई एम करेक्ट। मेरे को ले बचिया राजे, और रो इज इक्वल टू हाफ डेल्टा पी आर। So my surface tension is equal to half delta P, which is change in pressure multiplied by the initial rate.